यार मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है, इसके अंदर क्या हो सकता है, सारे मिलके खोल के देखते हैं। ओ अच्छा, डायन वालों ने मुझसे बात की थी कि वो पूछ रहे थे कि क्या आप रिव्यू बना सकते हो, तो मैं कहा बना देंगे यार, भेज दो। कोई डायन गुहोंग प्रो एम या एम प्रो करके क्यूब का नाम था, तुम लोगों ने टाइटल वगैरह में देख लिया होगा, नहीं तो यहाँ कहीं लिख भी दूंगा। पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है और मैंने सुना है इसमें अलग अलग साइज़ हैं, लाइक 54 mm, 55 mm। अब मैंने ऐसा सुना है, असल में क्या है वो नहीं मुझे पता भाई। असल में तो यहाँ पे मुझे 56 और 56 देखने को मिल रहा है, शायद एक मैगलिव हो और एक दूसरा, मुझे अभी आइडिया नहीं है। डायन गुहोंग प्रो एम, यार ये पूरा पैक है, ये खुला है, क्या फर्क क्या हो सकता है, दोनों का सेम नाम है। खैर पहले जो खुला हुआ है उसी को ही खोल के देख लेते हैं। काफ़ी क्लीन पैकेजिंग है, कोई ज़्यादा रोला नहीं देखने को मिल रहा, यहाँ पे एडजस्टमेंट सिखाया गया, समझाया गया। और ये रहा हमारा क्यूब, कुछ यूनिक फील हो नहीं रहा सच बताऊं तो, जैसा आमतौर पे क्यूब होता है वैसा है। और आई थिंक फर्स्ट टर्न्स करके देखने चाहिए, अंदर से यार ये काफ़ी सिमिलर लग रहा है। अच्छा जी, बटरी स्मूथ, मैं बहुत टाइम बाद ये बटरी फीलिंग को फील किया, कसम से यार, मक्खन है मक्खन। बहुत मस्त मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, लाइक बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, स्ट्रांग लाइक है ना होने के बराबर ही, लेकिन स्टिल ये बहुत स्टेबल है यार। पास है ये क्यों, पास है, मुझे इसकी प्राइस का नहीं पता लेकिन ये फेल नहीं हुआ, ये पास है हमारे नज़दीक तो। खैर कॉर्नर कट्स, रिवर्स कॉर्नर कटिंग में कभी इतनी अच्छी देखी नहीं, लाइक एफर्टलेस है कॉर्नर कटिंग, बहुत स्मूथ है, बट मुझे स्टिल दोनों में फर्क का नहीं पता लगा यार, यहाँ बड़ा मुश्किल सा एडजस्टमेंट सिस्टम है, ऐसे एडजस्टमेंट तो देख के सर दर्द शुरू हो जाती है। कम से कम सेंटर कैप इजी है निकालना, यार इसका इंटरनल मैकेनिज्म देखने में मुझे इंटरेस्ट है। एज पे मैग्नेट है, कॉर्नर पे मैग्नेट है, यानी इसका कोर बॉल कोर है क्या? ओ ये बॉल कोर है, तुम लोग देख सकते हो अंदर एक बॉल नजर आ रहा होगा तुम लोगों को, और उस पर मैग्नेट्स लगाए गए हैं। खैर इसको यहाँ रखते हैं, और ये जो बिल्कुल पैक है इसको खोल के देखते हैं कि इस ये क्या यार, किस तरह खोलना हमने। ओ भाई भाई, ओ फाइनली, नहीं भाई मैं गलत था यार, दोनों के बॉक्स पे यहाँ पे सेम नाम लिखा गया, क्या इन्होंने सेम दो क्यूब्स भेजे हैं? दोनों 56 मिलीमीटर्स के ही हैं, इनका हमसे हमारा कोई, यार इसके नीचे तो कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं है यार, मैं कहा इसके नीचे कभी कभी निकल आता है ना बाद में। लो भाई फाइनल, ओ ये ल्यूब से भरा पड़ा है यार। मैं दोनों का वेट करके देखना चाहता हूं कि अगर तो दोनों के वेट में कुछ फर्क हुआ, 79.3 78.6 कुछ तो फर्क है, वो हम अब देखते हैं। ओ यार ये इतना मजेदार नहीं लगा, मतलब फर्स्ट टर्न में यकीन मानो लाइक इसका एक अलग बैटरी स्मूथ एक्सपीरियंस था, इसका इसका उतना नहीं है उस लेवल का, बट नॉट बैड। हम डायरेक्टली मैग्नेट्स देखते हैं, इसके एच में मैग्नेट्स नहीं है, और बिल्कुल ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना वो स्टेबल था, इसके एजेस में मैग्नेट्स नहीं है। आई थिंक यही फ़र्क होना चाहिए, सेंटर्स तो हमें देखने को वही एडजस्टमेंट मिल रहा है। और हाँ भाई वाजे फ़र्क है, मैंने पहले ही कहा ना टर्न करते ही कि यार इसमें वो मज़ा नहीं है, ये ज़्यादा फास्ट है, लाइक मैं कह रहा था ना उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, बट स्टिल बहुत स्टेबल है। एच मैग्नेट्स इसमें मुझे आज फील हुआ है कि एच मैग्नेट्स का कितना बड़ा रोल है यार, मजाक के अलावा एक बकायदा फीलिंग आई है। और इसमें ऑब्वियसली उतना स्टेबल नहीं है, उतना कंट्रोलेबल नहीं है, बट जिन लोगों को फास्ट क्यूब्स पसंद है और जिन लोगों को लाइक बड़े सॉलिड क्यूब्स पसंद है, ये उनके लिए है मजाक के अलावा। लाइक गैन के बहुत हल्के क्यूब्स होते हैं और पेपरी लाइट टर्निंग, ये वैसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन गैन के क्यूब्स पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट टर्निंग की ज़रूरत होती है। लेकिन बाकी आजकल के क्यूब्स से अगर आप लोगों की हार्श टर्निंग भी है तब भी काम चल जाता है, तुम लोग देख सकते हो यार मैं कितना वहशियों की तरह घुमा रहा हूँ और स्टिल ये एक अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। इसकी कॉर्नर कटिंग ये वो है जिसमें एज में मैग्नेट्स नहीं है, ये वो वाला क्यूब है, स्टिल कॉर्नर कटिंग बहुत अच्छी है।
मस्त है यार, और इतनी कॉर्नर कटिंग यूज होती नहीं आमतौर पर, बट हम ज्यादा ही चेक करते हैं जानबूझ के, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, हालांकि इतनी बात होती नहीं है। बट अगर मेरी कोई रिकमेंडेशन मांगेगा तो मुझे इसका टू बी ऑनेस्ट इतना मजा नहीं आया जिसमें एच मैग्नेट्स नहीं है, इसमें एच मैग्नेट्स हैं यार। ये लाइक कईयों का मेन भी बन सकता है। मैंने वाकई में एक्सपेक्ट नहीं था किया कि डायन के क्यूब, मैंने आज से पहले डायन गुहोंग V4M यूज़ किया है, उसके मैग्नेट्स इतने स्ट्रांग थे जिसकी कोई हद नहीं। अलबत्त ये एक परफेक्ट क्यूब लग रहा है। और यार ये डायन का लोगो मुझे कभी भी इतना अच्छा नहीं लगता, सिर पीड़े। खैर हम वापिस आते हैं बातों की तरफ, मुझे नहीं पता यार हमें अब क्या कहना चाहिए। आई थिंक थोड़े सॉल्व करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। इस पे अगर तुम लोग कहोगे तो हम रिव्यू बना देंगे, बट तुम लोगों को ट्रेंडिंग देख के अंदाजा हो जाना चाहिए। लो भाई ये है वो जिसमें एज मैग्नेट्स हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे भाई, लोगो ऊपर आना चाहिए भाई। ये है वो जिसमें एज मैग्नेट्स नहीं है, हम दो दो सॉल्व करेंगे और दोनों का जो अच्छा सॉल्व होगा उसको उठा लेंगे और दूसरे को हम फना कर देंगे। खैर पहला सॉल्व यार, दिन का पहला शायद ये ऐसे सॉल्व है, ये देख लो यार, पहला सॉल्व ही नहीं अच्छा हुआ यार। ये सॉल्व करने में तो बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस दे रहा है, और इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? तुम लोगों को भी फील हुआ इसकी आवाज़ आ ही नहीं रही? मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है। 12.7 टाइम याद रखना सारे, हम दूसरा सॉल्व करने लगे हैं, आवाज़ बहुत कम है यार, ये कैसे पॉसिबल है आज के दौर में? खैर हम अगला सॉल्व, आई होप, पता नहीं यार मेरे लुक हेड को पहले भी अच्छा नहीं था, लेकिन पहले फिर भी कुछ ना कुछ हम बेहतर ट्राई कर लेते थे। 11.4 भाई इसका सॉल्व है, 11.4। मुझे सॉल्व करने के बाद पता लगा कि सॉल्व करते वक्त इसकी आवाज़ आती ही नहीं है, ऐसा म्यूट पर लग जाता है, साइलेंट मोड पर। अच्छा इसको हमने स्क्रैम्बल कर लिया भाई, तो ये लो भाई, हम एक सेकेंड हम सॉल्व स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी आवाज़ फिर भी है, मुझे इसकी वजह नहीं पता, लेकिन उस वाले की तो आवाज़ 9.1, नॉट बैड यार। मैं दोनों के इंटरनल्स गौर से नहीं देखे, लेकिन दोनों के इंटरनल सेम हैं, शायद सिर्फ एक ही फ़र्क है कि इसमें एच मैग्नेट्स हैं और उसमें एच मैग्नेट्स नहीं, और एच मैग्नेट्स वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। मजाक क्या, मुझे इतना पता नहीं था पहले, बट आज फील हुआ यार। खैर ये मैंने खुद से काम खराब कर लिया। हम आज क्यूब को सिर्फ टाइम से कंपेयर करने, ये क्या था, एक और ट्राई यार, अब हमें एक ट्राई लेनी ही पड़ेगी। मैं कह रहा था कि आज हम क्यूब को टाइम से कंपेयर करेंगे, जिसका टाइम ज़्यादा अच्छा होगा उसको हम पकड़ लेंगे। ऑब्वियसली इस पे जिसमें एज मैग्नेट है उस पे 9 सेकंड का सॉल्व आया था, और जिसमें एज मैग्नेट्स नहीं है उसमें जो PB सॉल्व था वो था यार 11.4 शायद। यार टू बी ऑनेस्ट जिसमें एज मैग्नेट्स नहीं है ना कहीं वो एक सस्ते टॉर्नेडो V3 जैसी फील दे रहा है। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ काइंड ऑफ, तो एक सस्ते टॉर्नेडो की तरह का ये फील हो रहा है। अगर बजट में लोग टॉर्नेडो V3 का मजा उठाना चाहते हैं तो ये क्यूब उनके लिए है। लेकिन समझ नहीं आ रही यार, खाली एच मैग्नेट्स निकल जाने से इतना फर्क कैसे आ सकता है? लाइक दोनों की फील का बहुत फर्क है। जिसमें एज मैग्नेट्स नहीं है वो सस्ता टॉर्नेडो लगता है, क्योंकि उसकी आवाज़ भी नहीं है और उसकी फीलिंग है वैसी, और जिसमें एज मैग्नेट्स है वो बहुत बटरी स्मूथ है। पता नहीं इनके फैक्ट्री ल्यूब में ऐसा कमाल है या क्या है। ये सब कुछ जो भी मैंने कहा, ये आउट ऑफ द बॉक्स हमने जो ही बॉक्स से निकाला तो रिव्यू था, ये कोई फाइनल रिव्यू नहीं था। तुम लोग कहोगे तो इस पर एक फाइनल रिव्यू बना भी देंगे। अब अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, साथ बने बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन यार इसके बॉक्स का आइडिया बहुत अच्छा है, और शुक्र है बहुत साफ सुथरा बॉक्स है, अंदर हज़ारों चीज़ें नहीं हमें मिल रही मोयू की तरह, वो जो इतने इतने बड़े डब्बे दे देते थे काफ़ी। एक सेकेंड, ये ऐसे भी खुलता है क्या? नहीं, ये सिर्फ लगता ही है। खैर सब्सक्राइब यार।